ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? तो सबसे पहले इसमें ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट के बारे में जानेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट क्या होती है। दोस्तों हम लोग एसी ट्रांसमिशन में रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इन ओनली अमाउंट मोर डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। जैसे कि हम लोग दोस्तों एलसीआर सर्किट देखते हैं तो उसमें इंडक्टेंस इंडक्टेंस रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस सब लगे रहते हैं, तो वही एसी ट्रांसमिशन में ये सब लगे रहते हैं। इसको हम लोग कॉन्स्टेंट पैरामीटर ऑफ द लाइन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। जो इसका ट्रांसमिशन जो होता है, परफॉर्मेंस ट्रांसमिशन लाइन का, वो डिपेंड करता है किसी भी कंसिडरेबल एजेंट, किसी भी लाइन कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, यह जो कॉन्स्टेंट होता है वो डिटरमाइन हम लोग करते हैं किसी भी एफिशिएंसी के द्वारा, वोल्टेज रेगुलेशन के द्वारा, वो अच्छा है कि खराब, बस उसी के द्वारा हम लोग उसको फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसी भी एसी सप्लाई में हम लोग के सर्किट में रेसिस्टेंस है हमारा, लेंथ है, आर टू है, एल टू है। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पहले भी देखा था कि क्या क्या होगा, तो उसमें लाइन पैरामीटर होगा, तो यहाँ रेसिस्टेंस है, इंपेडेंस है, तो यह हमारा दोस्तों हो गया लाइन कॉन्स्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों, जब आर एल आर सर्किट, ये क्या है दोस्तों? हमारा एल आर सर्किट है, एल आर सर्किट है, एल आर मतलब कि यह इंडक्टेंस है, यह रेसिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स में एसी सोर्स, नो डीसी। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस जो है होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों? जो हमारे करंट को अपोज करता है। ठीक है दोस्तों, वो हमारा रेसिस्टेंस होता है। अब आते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो होता है हमारा, जो फ्लक्स लिंकेज होता है, फ्लक्स लिंकेज पर एम्पेयर, वो हमारा इंडक्टेंस होता है। क्या होता है इंडक्टेंस? फ्लक्स लिंकेज पर एम्पेयर, यानी कि उसको साई अपॉन आई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साई अपॉन आई भी बोल सकते हैं इंडक्टेंस। क्या बोल सकते हैं? साई अपॉन आई भी, या फाई अपॉन आई भी, एल इज टू फाई अपॉन आई, या एस हम लोग जानते हैं फाई इज टू एल आई होता है, तो उसको हम लोग फाई एल इज टू फाई अपॉन आई बोल सकते हैं, या साई बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग साइड से जो नोट किए हैं। अब दोस्तों आते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होता है, वह कैपेसिटेंस जो तब कंडक्टर के बीच में वह चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जो डिफरेंस करता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी फराड। ठीक है, इसको फराड से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस मतलब सीधी बात हो गई कैपेसिटेंस। देखिए दोस्तों, यह हमारी लाइन कंडक्टर है, लाइन कंडक्टर जा रही है भी, यह हमारे दोनों के बीच में पोटेंशियल हो गई, यह करंट हो गई, यह हमारा लाइन कंडक्टर हो गई। अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर। अब टाइप्स ऑफ कंडक्टर पे कौन कौन टाइप्स आ गए? एएसी, ऑल अल्मोनियम कंडक्टर, एएसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एएसी ऑल अल्मोनियम कंडक्टर, एएसी ऑल अल्मोनियम एलॉय कंडक्टर। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑल एलॉय अल्मोनियम कंडक्टर। यहाँ ध्यान से देखेंगे कौन कौन हमारा है। फिर उसके बाद आ गया दोस्तों एसीएसआर, फिर उसके बाद आ गया एसीएआर, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अल्मोनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स है। पहले चार ठो हमारे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको याद कैसे करेंगे? देखिए दो में तो ए, जब डबल ए आ जाएगा तो ऑल हो जाएगा, ए आएगा तो अल्मोनियम हो जाएगा, सी मतलब कंडक्टर होता ही है, जहां पर भी सी दे दे तो कंडक्टर हो जाएगा दोस्तों। जहां अल्मोनियम सभी में होना है, ठीक है, कंडक्टर सही पे होना है। एस मतलब स्टील होता है दोस्तों, ए मतलब एलवाई, और रेनफोर्स हर जगह, आर होगा तो रेनफोर्स हर जगह होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, जब भी कंडक्टर जो होता है यूज करते हैं, जब भी कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में, बहुत ही बल्क ट्रांसफार्मर, पावर का जब बल्क ट्रांसफर करना रहता है, तो उसमें लो वेट होना चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए,
लो कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन, लो कोरोना लॉस होना चाहिए, दे शुड हैव लेस रेसिस्टेंस, लो कॉस्ट होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, ध्यान से देखते हैं क्या क्या होना चाहिए हमारा। तो कभी भी ट्रांसमिशन करते हैं, किसी भी पावर ट्रांसमिशन का करते हैं, तो सबसे पहले उसमें लो वेट होना चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, दे हैव हाई कंडक्टिविटी, दे शुड हैव लो कोफिशियंट, दे शुड हैव लेस रेसिस्टेंस एंड लो कॉस्ट। अब हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़े थे, क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, दे शुड हैव लो वेट पहला, दे शुड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर उसका दे हैव हाई कंडक्टिविटी, दे हैव लो कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन, लो कोरोना लॉसेस, दे शुड हैव लेस रेसिस्टेंस एंड लो कॉस्ट। ठीक है, लो वेट होना चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका हाई कंडक्टिविटी, हाई सब हाई ही होना चाहिए, लो क्या होना चाहिए, लो वेट होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लो कोरोना लॉस होना चाहिए, लेस रेसिस्टेंस होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं हम लोग AAC अल्मोनियम का, ऑल अल्मोनियम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ऑल अल्मोनियम कंडक्टर के बारे में। ऑल अल्मोनियम कंडक्टर में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यह दिस टाइप इज समटाइम ऑल्सो रेफर्ड एज AAC, इसको कभी कभी हम लोग दोस्तों AAC अल्मोनियम स्टैंडर्ड कंडक्टर भी बोलते हैं। इट इज मेड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ईसी ग्रेड, यह बना होता है ईसी ग्रेड से बना होता है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ग्रेड अल्मोनियम से बना होता है, किससे बना होता है, इट इज मेड ऑफ स्टैंडर्ड्स ईसी ग्रेड और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ग्रेड अल्मोनियम से बना होता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, AAC कंडक्टर हैज कंडक्टिविटी अबाउट 61% ऑफ ICS। AAC कंडक्टर जो होता है हमारा, वो कंडक्टिविटी होता है 61% ऑफ ICS। AAC कंडक्टर जो होता है उसमें दोस्तों हम लोग 61% जो होता है ICS, इंटरनेशनल एनील्ड कोपर स्टैंडर्ड, उसमें मिला होता है दोस्तों। डिस्पाइट हैविंग अ गुड कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिवली पुअर स्ट्रेंथ, इसका अच्छा कंडक्टिव होता है क्योंकि ऑफ रिलेटिवली पुअर स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ इट रिलेटिव पुअर स्ट्रेंथ। AAC है लिमिटेड यूज इन ट्रांसमिशन एंड रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, दोस्तों AAC का यूज जो होता है हम लोग लिमिटेड रूप से ट्रांसमिशन का यूज करते हैं, किसका, AAC का दोस्तों हम लोग लिमिटेड रूप से यूज करते हैं ट्रांसमिशन में, और यह गांवों में रूरल एरिया में इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, AAC जो होता है वह अर्बन एरिया में बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि उसमें हाई कंडक्टिविटी की रिक्वायर्ड होती है। AAC में हम लोग बहुत ही कम कम शॉर्ट मात्रा में यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हायर कंडक्टिविटी की रिक्वायर्ड होती है। अब आते हैं दोस्तों AAC अल्मोनियम एलॉय कंडक्टर, अब इसमें क्या होता है दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यह कंडक्टर जो होता है दोस्तों मेड बना होता है अल्मोनियम एलॉय 6201 से, किससे बना होता है दोस्तों, एल्मोनियम एलॉय 6201 से बना होता है, जो कि बहुत ही हाई स्ट्रेंथ होता है। अल्मोनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन एलॉय, एल्मोनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन एलॉय से बना होता है। ठीक है, एल्मोनियम या मैग्नीशियम या सिलिकॉन, ठीक है, यह एलॉय जो होता है कंडक्टर जो होता है बहुत ही अच्छा कंडक्टिविटी होता है, कितना, लगभग 52.5% होता है। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था ICS का 61% कंडक्टिविटी, दोस्तों पहले से कम है। ठीक है, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, क्योंकि ट्रिपल AC जो होता है लाइटर इन वेट कंपेयर टू ACSR, इसका वेट जो होता है हल्का होता है ऑफ कोर स्ट्रेंथ के कारण, एंड करंट कैपेसिटी जो होती है इसकी जो वो भी बहुत अच्छी होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और करंट कैपेसिटी भी, ध्यान से सुनेंगे, करंट कैपेसिटी भी और इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दोनों ही इसकी इक्वल होती है। इसको यूजुअली प्रिफर करते हैं हम लोग ट्रांसमिशन के लिए, और उसका उसका जो होता है दोस्तों AAA कंडक्टर जो है वह कोस्टल एरिया में यूज करते हैं, कहाँ पे, कोस्टल एरिया में दोस्तों इसका यूज करते हैं, और उधर एक्सलेंट कोरोजन रेसिस्टेंस, क्योंकि उसका जो है ना एक्सलेंट कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, इसलिए दोस्तों हम AAA ऑल अल्मीनियम एलॉय कंडक्टर का कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, हम कोस्टल एरिया में। AAC कहाँ यूज करते हैं, गाँव में, रूरल एरिया, ध्यान से सुन लेंगे। अब आते हैं दोस्तों ACSR, ये मतलब दोस्तों पहले अल्मोनियम कंडक्टर और स्टील रेनफोर्स, ठीक है, अब आते हैं ACSR।
एसीआर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड और स्टैंडर्ड स्टील कोर। ध्यान से देखिए हम लोगों ने क्या पाया, एसीआर जो होता है जिसको कंसिस्ट करता है सॉलिड सॉलिड और स्टैंडर्ड स्टील कोर, ठीक है, सॉलिड एंड स्टैंडर्ड स्टील कोर विथ वन और मोर लेयर ऑफ हाई प्योरिटी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, हाई प्योरिटी ऑफ एल्यूमिनियम 1350, पहले 6201 देखे थे, फिर अब देख रहे हैं 1350 जो बहुत ही हाई प्योरिटी की होती है, ठीक है, जो स्पाइरल होती है, जो स्पाइरल सराउंडिंग से इसको बहुत ही गैल्वेनाइज वो जिंक कोटेड होती है, जिंक कोटेड होती है स्टील और एल्यूमिनियम की, जैसे कि हमने बहुत वायर देखते हैं जो स्टील कोटेड होती है उसमें जिंक कोटेड होती है क्योंकि उसमें कोरोजन लगे, कनेक्टिविटी जो ज्यादा हो, गैल्वेनाइजेशन और अल्मुनाइजेशन कोटिंग जो होती है वो थिन पतली होती है और इसको जो प्रोटेक्ट करते हैं उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, किससे कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं हम लोगों ने देख सकते हैं, जो इसका कोर जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इसका सिग्निफिकेंस लेस होता है एसीएसआर से, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है दोस्तों उसका ज्यादा होता है किसका, एसीएसआर का, इसका कम होता है, क्या है दोस्तों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ द सेंट्रल स्टील कोर जो होता है प्रोवाइड करता है एडिशनल मैकेनिक्स हैंड सैग इज सिग्निफिकेंटली लेस देन ऑल द अदर कंडक्टर्स, ऑल अदर कंडक्टर से कम होता है। ए सी एस आर कंडक्टर आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ स्टील कॉन्टेंट, यह जो होता है दोस्तों बहुत ही भारी मात्रा में इसका स्टील कॉन्टेंट पाया जाता है, फ्रॉम कहाँ से कहा था 60-40% में ही हम पाया जाता है दोस्तों, कोई भी ए सी एस आर जो होता है वह उच्च हाई स्टील कंटेंट किया जाता है जो सिलेक्टेड करता है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ में जो रिक्वायर करता है रिवर क्रॉसिंग, ए सी एस आर दोस्तों कंडक्टर जो होता है वह बहुत ही वो ट्रांसमिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका यूज किया जाता है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं दोस्तों, ट्रांसमिशन के लिए और एक ट्रांसमिशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब दोस्तों इसके बारे में फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ए सी एस आर अल्मोनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें जिंक से ये करते हैं गैल्वेनाइज करते हैं क्योंकि इसमें कोरोजन न लगे, इसका जो है एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ है जिसका सबसे 10 उसको सबसे कम हो जाता है, थोड़ा सबसे कम हो जाता है उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और उसके बाद दोस्तों वो बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है ए सी एस आर कंडक्टर, बहुत ही भारी मात्रा में 60-40% में पाया जाता है और इसको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही ज्यादा है इसको हम लोग लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों अल्मोनियम कंडक्टर एलवायर एनफोर्स ए सी ए आर, अब क्या आएंगे दोस्तों ए सी नाम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ए सी ए आर, अब आते हैं एलवाई रेनफोर्स, ए सी ए आर कंडक्टर जो होता है दोस्तों हम लोग फॉर्म करते हैं कब, उसको तभी फॉर्म करेंगे जब हाई प्योरिटी ऑफ अल्मोनियम जो होता है उसमें लेते हैं और हाई स्ट्रेंथ ऑफ अल्मोनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन एलवाई जब भी लेंगे 6201 उसको कोर बनाने के लिए, ठीक है, जो हाई प्योरिटी लेंगे अल्मोनियम कब, जब स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ ऑफ अल्मोनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन एलॉय, ठीक है, ए सी ए आर हैज बेटर इलेक्ट्रिकल एज वेल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देन इक्विवेलेंट ए सी एस आर कंडक्टर, ए सी ए आर जो होता है वो बेटर इलेक्ट्रिकल होता है एज वेल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देन इक्विवेलेंट ए सी एस आर कंडक्टर, ठीक है, क्या दोस्तों हम लोग पढ़े ए सी ए आर बेटर इलेक्ट्रिकल सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल होता है एज वेल उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छा होता है, किससे प्रॉपर्टी वो बराबर होता है किसकी, ए सी एस आर के बराबर आप कह सकते हैं उसका, इसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है इक्विवेलेंट होता है किसके, ए सी एस आर के, ठीक है दोस्तों, ए सी ए आर कंडक्टर जो होता है मे बी ए सी ए आर कंडक्टर जो होता है दोस्तों मे बी यूज करते हैं ओवर ए ट्रांसमिशन एज वेल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ओवर ए ट्रांसमिशन के लिए भी और ओवर ए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी और अल्मोनियम कंडक्टर के लिए और उसके बाद ट्रांसमिशन के लिए भी। अब दोस्तों आते हैं इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स, अब देखते हैं इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर में इंटरनल फ्लक्स क्या होती है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें सबसे पहले मान लीजिए ये वायर है तो उसमें एक छोटा सा हम लोग डी एक्स छोटा सा ले लिए और उसका सेंटर से लेंथ आर ले लिए,
ये हमारी आर इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। सिंपल सा एग्जांपल है जो पहले भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है। तो उसमें दोस्तों एमएमएफ जानते हैं, एफ इक्वल टू एन आई, नंबर ऑफ करंट फ्लो इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है दोस्तों। या एच डी एस भी कर सकते हैं। द एम एमएमएफ जो होती है एम्पीयर टर्न होती है, पहले ही हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं। और एक किसी क्लोज पाथ के बराबर होती है कब, जब इंटरनल मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी और उसके एरिया के हो, ठीक है। यदि दोस्तों यदि इस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो मेरे लेक्चर मैग्नेटिक फील्ड में चल जाइएगा, वहां से बिल्कुल इसके बारे में एमएमएफ के बारे में बिल्कुल क्लियर आप समझ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक हमारी डेरिवेशन आती है कि जब भी उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी एक्स मीटर पे है, सेंटर से एक्स मीटर डिस्टेंस पे है, तो उसका उसका और उसमें फील्ड जो है हमारा कॉन्स्टेंट है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन जो होता है डीएस का किसी भी क्लोज सर्कुलर पाथ का, वह 2 पाई एक्स होगा। क्या होगा? 2 पाई एक्स, मतलब कि 2 पाई आर होगा। तो यह हमारा इसको प्रूफ करना है। तो इंटीग्रल ऑफ डीएस इज इक्वल टू 2 पाई एक्स। तो उसका हम निकालने के लिए सबसे ये सिंपल सा डेरिवेशन का भी दोस्तों यूज नहीं पड़ता है, इसलिए दोस्तों हम लोग शॉर्टकट ट्रिक लेकर ही चलेंगे। शॉर्टकट ट्रिक में दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये बी एक्स इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर बाई 2 पाई आर। ये जो हम लोग सिंपल सा है हमारा एम्पेयर सर्किट लो, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या पढ़े थे, म्यू नोट एन आई बाई 2 पाई आर। बी एल इक्वल टू एन आई होता है, तो बी इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर म्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई। वहां से हमारी बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और हमारा और फ्लक्स जो होता है दोस्तों बी इंटू डी एस होता है, तो बी की वैल्यू म्यू नोट इंटू म्यू आर क्रॉस आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गई। अब उसके बाद द फ्लक्स लाइन जो होता है किसी भी करंट आई एक्स में, तो उसका फ्लक्स लिंकेज पर मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर जो होता है वह एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, और म्यू नोट इंटू म्यू आर एक्स क्यू आई अपॉन 2 पाई आर 4 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इंटरनल फ्लक्स और टोटल फ्लक्स लिंकेज के साथ किसी भी कंडक्टर अंदर पाएंगे तो उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। जो डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखते हुए चलते हैं, तो किसी भी कंडक्टर में दोस्तों वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा, तो उसका एल आई एंड इंडक्टर का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1.2 × 10⁻⁷ हो जाएगा, और उसकी फ्लक्स डेंसिटी जो होगी 1.2 × 10⁻⁷ हो जाएगी। परमिलिटी म्यू नोट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 4 पाई × 10⁻⁷ एच बाई एम होती है, और साई की वैल्यू जो होती है म्यू नोट इंटू म्यू आर आई अपॉन 8 बाई म्यू नोट इंटू म्यू आर आई अपॉन 8 पाई। इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स, इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब देखते हैं इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू एन एक्सटर्नल फ्लक्स। एक्सटर्नल फ्लक्स के कारण जो होती है इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स क्या होगी। अब पहले तो अंदर फ्लक्स के बारे में जानेंगे, अब बाहर के फ्लक्स के बारे में जानते हैं। बाहर के फ्लक्स में देखिए, यह हमारा एक वायर है डीएक्स, उसके बाद बाहर के फ्लक्स डीएक्स से लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले तो इसका इंटेंसिटी हम देख लेंगे। इंटेंसिटी जो होती है आई अपॉन ए होती है, तो आई अपॉन 2 पाई एक्स हो गई, बी एक्स हो गई, म्यू नोट इंटू एच एक्स फॉर्मूला होती है, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई एक्स एक्स ऊबर पर मीटर स्क्वायर हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों हमारी फ्लक्स की फॉर्मूला होती है बी इंटू डी एस होती है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स ऊबर। फिर उसके बाद डी साई की फ्लक्स की फॉर्मूला हो जाएगी म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई एक्स, वही जो पहले आया। अब फ्लक्स को हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे आर से फाई तक, तो यहाँ से हमारी फॉर्मूला आ जाएगी म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट आ जाएगी, और उसके बाद आई एक्स को हम इंटीग्रेशन कर आर फोर कर देंगे। तो इसमें पहले इंटरनल ओवरऑल फ्लक्स कब निकालेंगे, जब दोनों को इंटरनल एक्सटर्नल को ऐड कर देंगे। इंटरनल एक्सटर्नल को ऐड करने के बाद म्यू नॉट आई अपन 2 पाई 1/4 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
आर से फाइव तक डी एक्स वाई एक्स, ये है फ्लक्स लिंकेज इन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। यदि पैरेलल करंट किसी भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे वायरलेस रहता है तो उसमें पैरेलल करंट रहता है, उसको क्या चीज से नेम से डिनोट करेंगे, तो क्या क्या चीज से डिनोट करेंगे इसको, डबल सर्किट लाइन क्या बोलते हैं, डबल सर्किट लाइन भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर ए ड्यू टू दिस म्यू नोट आई अपॉन 2π 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी आर टू इन्फिनिटी इसको ले लेंगे, और तो और द फ्लक्स लिंकेज कंडक्टर ए ड्यू टू आई बी ये हो गया, फिर उसके बाद फ्लक्स लिंकेज ए टू आई सी के द्वारा ये हो गया, फिर सबको ऐड कर देंगे 1, 2, 3 के द्वारा कि क्या क्या कंडक्टर पा जाता है, तो 2 μ0 / 2π 1/4 उसके बाद एक्स एक्स हो जाएगा इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज वायर लाइन। फ्लक्स लिंकेज कंडक्टर ए हम लोग देख लिए थे, ए देख लिए थे आई बी के कारण, फिर टोटल फ्लक्स देख लिए थे ए के द्वारा, सेम है दोस्तों। अब इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेज ओवरहेड लाइन देख लेंगे, थ्री फेज ओवरहेड लाइन देख लेंगे ए बी सी D1 D2 D3। फ्लक्स लिंकेज कंडक्टर ए ड्यू टू ऑन करंट, फ्लक्स लिंकेज कंडक्टर ए ड्यू टू करंट आई बी, फ्लक्स लिंकेज कंडक्टर ए ड्यू टू करंट आई सी, आई ए के द्वारा आई बी के द्वारा आई सी के द्वारा देख लिए, म्यू नोट आई बाई 2π 1/4 डीएक्स वाई एक्स हो गया, म्यू नोट आई बाई बी 2π dx/x, म्यू नोट इंटू आई सी अपॉन 2π dx/x। तो टोटल फ्लक्स दोस्तों हमारी सभी को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल फ्लक्स जो है ये आ रही है, बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मूला है। थैंक यू दोस्तों, दोस्तों यदि चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।